हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल डीएसटी होम। दोस्तों, एक और छोटे घर का नक्शा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसकी चौड़ाई है 12 फीट और लंबाई है 25 फीट के करीब। सामने जो देख रहे हैं आप, ये सड़क है और ईस्ट फेसिंग मकान है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। इस घर की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो अनप्रिपेयर था, तो ये फाइनल वीडियो है। तो दोस्तों, पीछे की तरफ जो है, जो रूम है, वो 12x10 फीट का है, मतलब 10 फीट की लंबाई है, 12 फीट की तो प्लॉट की चौड़ाई है, वही है। सिंपली रूम है। अगर आप इसमें स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही रूम से बाहर आते हैं, ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, और स्टेयर्स के एंड पे ही हमने बाथरूम है जो कमरे के अंदर ही खुलता है, मतलब कॉमन अटैच्ड बाथरूम हो गया। तो उसके बाद जैसे हमारे किचन बाहर की तरफ होता है, कॉर्नर में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन का डिज़ाइन किया गया है, जिसकी किचन की लंबाई चौड़ाई 6.5 फीट के करीब है। और इसके लेफ्ट में है जो मेन एंट्रेंस है, मतलब वेस्ट और ईस्ट कॉर्नर में ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे लॉबी में आपको सामान में कुछ खड़ा करने के लिए, जैसे बाइक है, कुछ व्हीकल है, दोपहिया वाहन, साइकिल, कुछ भी खड़ा करने के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका 2D व्यू। मैं आपको उसका 3D व्यू दिखा देता हूँ। तो 3D व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देख लीजिए, पीछे का जो रूम है, कलर वगैरह डिज़ाइन करवा के आप जैसे, कुछ इस तरह का मकान दिखाई देगा। ये बाथरूम है, स्टेयर्स के नीचे ही ये बाथरूम का डिज़ाइन बनाया गया है। और उसके बाद ये किचन है। किचन को वेंटिलेशन के हिसाब से बिल्कुल बाहर की तरफ रखा गया, खिड़की दरवाजे बिल्कुल खुल गए ताकि अंदर में सफोकेशन ना हो। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर था। मैं इसका 2D व्यू में इसका सेकंड फ्लोर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर में कुछ नहीं है, बस जो बाथरूम का जो डिज़ाइन था स्टेयर्स के नीचे था, वो वहाँ से बिल्कुल हट जाएगा। और बाथरूम का डिज़ाइन ये स्टेयर्स के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ किचन है, उसी के ऊपर में आ जाएगा। बाकी सारी बालकनी छोड़ी गई है, जिसको आप रूम की तरह क्रिएट कर सकते हैं, हाफ में आगे की दीवार लगा, अगर नहीं चाहते आप उसको खुला छोड़ सकते हैं। बाकी पीछे वाला जो रूम है, जो नीचे का जो रूम का साइज़ है, सेम ऊपर वही डिज़ाइन है। इसको 3D भी दिखा दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है इसका 3D व्यू। 3D व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देगा। फ्रंट से कुछ इस तरह का ये बाथरूम है, और ये आगे की तरफ बिल्कुल खुला छोड़ा गया है। अगर आप चाहें तो इसको आगे दीवार डालकर इसको बंद भी कर सकते हैं। बीच में ये बीच का जो पोर्शन है, ये है स्टेयर्स के लिए, स्टेयर जो ऊपर जाती हैं। और पीछे वाला जो रूम है, वो 10x12 का इतने देर स्पेस जगह मिलती है। तो दोस्तों, ये था इसका फर्स्ट फ्लोर, वो भी 3D व्यू में, और इसका मकान का आधा हिस्सा पूरा हो चुका है। और उसके थर्ड फ्लोर सॉरी जो इसका सेकेंड फ्लोर है, वो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसका आप डायरेक्ट 3D व्यू देख रहे हैं, क्योंकि 2D व्यू में कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, इसलिए मैं आपको 3D व्यू दिखा देता हूँ। आगे की तरफ हमने इसमें ग्लास लगाया है। ग्लास से क्या है कि धूल मिट्टी घर के अंदर नहीं आएगी, बिल्कुल बंद घर हो जाएगा। आपको जैसे ग्लास लगाना है, नहीं लगाना है, वो आपके डिज़ाइन के ऊपर बेहतर, आप जानते हैं आपको बनवाना है। तो बस ये है कि डिज़ाइन ये, अगर किचन नीचे की तरफ, जो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर था, बीच वाले फ्लोर पर किचन हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन हम थर्ड फ्लोर पर किचन का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से जगह बना के। ये किचन बनाया गया है ताकि इसके अंदर ये हॉल की तरह ही, और यहाँ पर हमें बैठने का सिटिंग प्लान किया है, तो ये साथ में बाथरूम है, और पीछे वाला रूम जो साइज में आप लोग देख ही चुके हैं। दोस्तों, ये 3D व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपका मकान जो सिंगल एलिवेशन का है, जो कुछ इस तरह से मकान दिखाई देगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे, मकान का डिज़ाइन अगर अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी अन्य कोई रिक्वायरमेंट है, तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर का डिज़ाइन तैयार कर देंगे। तो दोस्तों, इसी के लिए साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए मैं आपकी वीडियो देखने के लिए, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।